हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ये नज़ारा जो आप देख रहे हैं ये सोलांग वैली का है, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले ही पहुंचा हूं। करीब 1:15 बज रहे हैं दोपहर के। टेम्परेचर यहां का -1 है, -1। तो आज की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं अपना एक्सपीरियंस। मैं यहाँ बाइक से आया हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ बाइक रास्ते में किसी को कहीं नज़र नहीं आ रही होगी। ऑल मैं बॉबी आर्यन, मेरे यूट्यूब चैनल @BobCinematic7619 में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैं आइस बूट पहन के आया हूँ। आज पूरी तरह प्रिपेयर होके आया हूँ। ये देख सकते हैं आप, कितनी आइस है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितनी आइस है। ये मैंने स्नो बूट पहना हुआ है। ये रात की आइस है, बहुत हैवी स्नोफॉल हो गया इधर सोलांग वैली। आप देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा था मैं बाइक से आया हूं, और आप सोच रहे होंगे कि ये बाइक से कैसे आ गया, जबकि सारी बाइक टू व्हील बंद है यहाँ पे सोलांग वैली में आज 15 जनवरी। चूँकि मुझे रोका नहीं गया और मैंने ध्यान भी नहीं दिया, तो मैं आगे निकल गया वो जहाँ से उन्होंने, जहाँ उनका ब्लॉक वो बैरियर बनाया हुआ था, तो मुझे पता भी नहीं लगा। आधे से भी ज़्यादा रास्ते पे पहुँचने के बाद मुझे पता लगा कि यहाँ टू व्हील्स भी बंद है, ओनली लोकल हिमाचल रजिस्ट्रेशन व्हीकल टैक्सीज ही चल रही हैं, और मोस्टली सारी जीप्स हैं। तो फ्रेंड्स मैं आगे निकल गया। मैंने कहा कि चलो आगे नज़ारों का आनंद लेते हैं, और रास्ते में भी दिक्कत हुई, ब्लैक आइस में बाइक स्लिप हो जाती है, जो बहुत ही रिस्की है। तो आप कभी भी इधर आए स्नो में, अगर अपनी बाइक चलाए अवॉइड करें एक तो, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो। क्योंकि मुझे पहले का एक्सपीरियंस था, मेरा कॉन्फिडेंस था, तो मैं आ गया अपनी बाइक लेके। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं आप ये नज़ारा सोलांग वैली का। ठंड बहुत है, मैं बाइक में आया हूँ, लेकिन इस नज़ारों के आगे ले रहा हूँ यहाँ का। ठंड गायब हो गई है। ये ATV ऑफ रोड व्हीकल्स हैं, और ये आप बर्फ देख सकते हैं कितनी ज़्यादा स्नो पड़ी है। रास्ता तो इसलिए क्लियर है टू व्हील्स का, ये फोर व्हील वाला, कि यहाँ गाड़ियों की मूवमेंट है। और सोलांग वैली से तो आगे अटल टनल तो बिल्कुल ही बंद है, जो मैं पहले भी गया था। फ्रेंड्स ये आप नज़ारों का आनंद ले। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ये नज़ारे, और ये मेरी बाइक, मैं इसी बाइक में आया हूँ। फ्रेंड्स आप मनाली आते हैं घूमने, अगर पीक स्नोफॉल का टाइम है
तो आगे की अगर आपका रोहतांग वैली स्नो अटल टनल और सोलांग वैली आने का की प्लानिंग है तो आप मनाली से ही कोशिश करें, 4x4 की ही गाड़ी लें। रेगिस्तान बन चुका है यहाँ पे, नहीं तो आगे चल के आपको फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यात्रा में परेशानी आ सकती है। और अगर आप 4x4 लेके चलते हैं टैक्सी, भले ही आप अपनी ओन व्हीकल से ही आए, क्यों ना आए हो मनाली, मनाली से ही आप जीप 4x4 कर ले तो यात्रा का असली ये 360 अनुभव, घूमने का मज़ा जो आनंद है वो तभी आएगा। अगर आप सोचेंगे कि मैं अपनी गाड़ी में चले जाऊं, तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ बहुत एक्सपीरियंस किया है, यहाँ रास्तों में गाड़ियों की जाम बहुत ज़्यादा हो जाती है, आप ड्राइव करते करते परेशान हो जाएंगे और घूमने का मज़ा आपका ख़राब हो जाएगा। आप फ्रेंड्स के साथ हैं, फैमिली के साथ हैं, अपनी गाड़ी में हैं, लेकिन एक स्थान ऐसा भी आता है जहां आप फंस जाते हैं, तो इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। मनाली से आप अपनी 4x4 की जीप लीजिए और आनंद लीजिए, क्योंकि समय ही सबसे ज़्यादा कीमती है। अगर यहाँ आके आप फंस गए और समय आपका सारा 4 घंटे दिन में इसी में ख़राब हो गया, तो आप समझ सकते हैं आपने कितना समय खो दिया। तो मेरी तो यही सलाह है, जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो मैंने बनाई है अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। अब आप देख सकते हैं मैं फिर से टहल रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपना कैमरा वहाँ लगाया हुआ है ट्राइपॉड में, तो ये ऐसे जगह में टहलने का ही आनंद अलग है। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, सपोर्ट करें, ये आपकी सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आपका सपोर्ट से ही मेरा चैनल ग्रो हो सकता है, अभी तक मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाया है, मैं फाइनेंशियली बहुत कष्ट में हूँ, और ये वीडियोस ट्रैवल माउंटेन मेरा पैशन है, तो प्लीज़ सपोर्ट करें। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो ये जल्दी से जल्दी चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। आप देख रहे हैं टूरिस्ट कितना आनंद ले रहे हैं, फोटो खिंचाते हुए, वीडियो करते हुए। फ्रेंड्स आप ये देख रहे हैं ये क्या कर रहा है, ये देखिए ये अपने जीप में ये टायर में चेन बांधी हुई है आगे वाले पे, ताकि बर्फ की फिसलन से इसको स्किड जान ना हो पाए। ये व्हील जो है बर्फ में बहुत स्किड होते हैं, इसकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, इस तरह की सेफ्टी स्नोफॉल में माउंटेन्स में बहुत ज़रूरी है।
फ्रेंड्स आप ये देख रहे हैं, ये जीप जिप्सी, जिसमें ज़्यादातर 4x4 ही व्हीकल्स हैं। इसमें 4x4 में थोड़ा सेफ्टी आपकी ज़्यादा रहेगी। आप देख रहे हैं ओनली 4x4, ओनली जीप, मोस्टली 4x4। टूरिस्ट नज़ारों का आनंद लेते हुए, बर्फबारी का आनंद लेते हुए, फ्रेंड्स आप ये डॉगी जो देख रहे हैं, ये माउंटेन डॉगी आपको हर जगह मिल जाएंगे। तो स्लिप हो जा रहे हैं। टुडे स्नो वैली, पूरी तरह से स्नो से ही है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आसमान का नज़ारा भी आप देखें, हल्के क्लाउडी बादल स्टार्ट हो चुके हैं। फ्रेंड्स, जो आज का नज़ारा है सोलांग वैली का, जो कि पूरी तरह स्नो वैली में तब्दील हो चुकी है, सोलांग वैली इज नाउ
यू कैन से स्नो वैली। फ्रेंड्स, ये बाइक भी देख रहे हैं आप मेरी, आपको रोडों में कोई भी टू व्हील नज़र नहीं आ रहा होगा, बहुत ही कम है, बिकॉज टू व्हील जो है स्किड कर रही है ब्लैक आइस पे। फ्रेंड्स, आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें।